अयोध्या में प्रसिद्ध रामनवमी मेला शुरू हो चुका है। राम जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप परिवहन विभाग ने भी बसों की व्यवस्था की है। अयोध्या डिपो ने श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए 60 बसों के बेड़ों को लगाया है। ARM रोडवेज आदित्य प्रकाश ने बताया कि सभी बस चालकों व कंडक्टरों को हिदायत दे दी गई है, आवागमन में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्हें सुविधापूर्ण यात्रा कराते हुए अयोध्या धाम पहुंचाए और अयोध्या धाम से श्रद्धालुओं को वापस अपने गंतव्य तक पहुंचाए। ARM आदित्य प्रकाश ने बताया कि श्रद्धालुओं की सेवा के लिए बसों का बेड़ा उतार दिया गया है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी आसपास के जिले हैं, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ व अन्य जनपदों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए बसों का संचालन किया जा रहा है। मैंने ARM के पद पर अयोध्या डिपो में कल ही ज्वाइन किया है। माननीय परिवहन मंत्री जी के दिशा निर्देश में और यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री विमल राजन जी के उसमें निर्देशन में 60 बसों की व्यवस्था की गई है, जिससे यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। डिपो के कर्मचारियों को यथास्थान ड्यूटी आवंटित कर दी गई है और उनको इस विषय गाइड कर दिया गया है कि किसी भी श्रद्धालु से किसी भी तरीके से कोई अपवाद ना हो, उनको परेशानी ना हो, उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाए और उनको उनके गंतव्य तक भेजा जाए और रामनवमी के लिए उनको यहाँ पर्व के लिए गोंडा, बलरामपुर, बहराइच भी बसें मैंने भेजी हैं, उनको यहाँ से वहाँ से लाने के लिए और यहाँ से पूरा उनकी व्यवस्था करके भिजवाने की पूरी व्यवस्था की गई है।